नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौरव साइंस क्लासेस के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायरस। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें प्लीज लाइक जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वायरस। वायरस एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। तो वायरस जो है वे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और असेलुलर होते हैं, यानी अकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये कण होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो वायरस संक्रामक इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जिनका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है। तो वायरस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिनका न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है। वायरस की खोज सबसे पहले इवानोव्स्की ने की थी। इन्होंने सबसे पहले वायरस को टबेको में मोज़ेक डिजीज इन्होंने वायरस को टबेको में मोज़ेक रोग के जो रोगाणु है, जो मोज़ेक रोग को कॉज करने वाले एजेंट्स के रूप में इनकी खोज की थी। ठीक है, और जो वायरस होते हैं इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो बैक्टीरियल फिल्टर से भी छन जाते हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट थे बेंजरिक वायरस को कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडम का ठीक है दोस्तों, एक बेंजरिक साइंटिस्ट है, इन्होंने वायरस को कॉन्टेजियम वाइबम फ्लूडम का और स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी। ठीक है, और वायरस एक लैटिन शब्द है जो वायरस से बना है, और वायरस का मतलब होता है इन्फेक्शियस पॉइजनस फ्लूड। ठीक है, और हिंदी में विषाणु, इसको विषाणु कहते हैं, यानी कि विष का अणु।
अब बात करते हैं वायरस के सामान्य लक्षण। तो जैसा कि आप जानते हो कि वायरस सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है, कणिका में संरचना होती है इसकी, पार्टिकल होता है, कणिका में पार्टिकल स्ट्रक्चर होती है तथा इनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वायरस है जो बैक्टीरियल फिल्टर से भी फिल्टर से छन जाते हैं, लेकिन लेकिन कुछ मॉलिकुलर फिल्टर्स होते हैं, आणविक फिल्टर होते हैं, उनसे नहीं छनते हैं, नहीं छन पाते हैं। ये फिल्टर जो कोलोइडल सब्सटेंस से मिलकर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि सजीव कोशिका के बाहर वायरस एक जो निर्जीव पार्टिकल की तरह होता है, यानी कि एक क्रिस्टल फॉर्म में पड़ा रहता है। निर्जीव फॉर्म में पड़ा रहता है और तथा ये लेकिन सजीव कोशिका के अंदर पहुंचते ही ये सजीवों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है। वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, यानी कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब होता है ये अविकल्पी कोशिकीय जीव होता है, मतलब इसको कोशिका के अलावा कहीं भी बाहर जीवित अवस्था में नहीं रह सकता है, ये कोशिकीय वातावरण के ही अंदर पैरासाइट होता है। यह अंतःकोशिकीय वातावरण में ही मल्टीप्लाई एंड रिप्लिकेशन दर्शाता है। अगला पॉइंट है वायरस को किसी भी संवर्धन माध्यम में वृद्धि नहीं कराई जा सकती, वृद्धि नहीं कराई जा सकती या कराई जा सकती है, अर्थात वायरस को किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जीवित कोशिका के अंदर जीव अपना जनन करता है। वायरस के अंदर ना तो
वृद्धि होती है ना ही इसमें बाइनरी फिजन। द्विविभाजन होता है इसमें केवल केवल रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन मतलब पुनरावृत्ति होती है, वो भी किसी भी जीवित कोशिका के अंदर ही जब एंटर कर जाता है तब इसके अंदर रिप्लिकेशन होता है, अन्यथा इसके अंदर रिप्लिकेशन नहीं होता है और ये कोशिका के बाहर निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। ठीक है, वायरस का खुद का कोई प्रोटीन सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन मशीनरी नहीं होती है, वायरस की खुद की कोई प्रोटीन मशीनरी नहीं होती है। ये होस्ट सेल की प्रोटीन मशीनरी का उपयोग करते हैं अपने रिप्लिकेशन के लिए। ये प्रोटीन में जो मैकेनिज्म मशीनरी है वो होस्ट सेल की यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का कोई राइबोसोम नहीं होता है, कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। ये होस्ट सेल जिस कोशिका के अंदर एंटर करते हैं उसी के राइबोसोम उसी के न्यूक्लियस पे कंट्रोल करके और अपने रिप्लिकेशन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इनका अर्थात इसका मतलब यह होता है कि कोई भी जो प्लांट का वायरस है वो किस प्लांट की कोई एक स्पीसीज को ही एक विशिष्ट प्रजाति को संक्रमित करेगा, दूसरी प्रजाति को नहीं, प्रजाति के पादप को नहीं। ठीक है, इसी तरह से प्लांट वायरस एनिमल को इफेक्ट नहीं करते हैं, एनिमल को संक्रमित नहीं करते हैं। ना ही एनिमल वायरस प्लांट को संक्रमित करते हैं। तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इन अब वायरस ताप आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। ये इनका सजीवों का लक्षण है। ठीक है, वायरस के ऊपर किसी भी तरह के एंटीबायोटिक का पर किसी तरह की एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल की मेटाबॉलिज्म को रोक देती है, लेकिन वायरस का तो वायरस के पास खुद का कोई मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। नहीं होता है। ये होस्ट सेल का मैं
मेटाबॉलिज्म का उपयोग करते हैं। इसलिए इन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, तो इन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी तसल्ली के लिए जुखाम होता है, जुखाम एक कॉमन कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, और हम तुरंत एंटीबायोटिक खाना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक हम खा रहे हैं वो वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ हम अपनी तसल्ली के लिए खा लेते हैं। तो ये तो थे इसके जनरल करेक्टर्स। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वायरस, वायरस की प्रकृति कैसी होती है। नेचर ऑफ वायरस, वायरस इनएनिमेट स्ट्रक्चर होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और एसेलुलर होता है। इनएमिनेट स्ट्रक्चर मतलब अकोशिकीय निर्जीव संरचना होती है, ठीक है, अकोशिकीय निर्जीव संरचना होती है और ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर लिविंग के कौन कौन से करैक्टर हैं, सजीव के गुण कौन कौन से हैं। सजीव के गुण, सबसे पहले इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए होता है इनके पास, ठीक है। दूसरी बात, इनका जेनेटिक मटेरियल के अंदर में रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, का गुण होता है, पुनरावर्ती का गुण होता है। तीसरा, इनके अंदर म्यूटेशन पाया जाता है, डीएनए का जो वायरस का जो डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन पाया जाता है, और ये सजीवों का प्रमुख लक्षण है। इनमें मल्टीप्लिकेशन केवल सजीव कोशिका के अंदर होता है, के अंदर होता है। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, इनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है, सातवां इनमें एंटीजेनिक गुण पाए जाते हैं, ये तो इनके सजीवों के गुण थे जिसके अंदर
सबसे पहले इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल के अंदर रिप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, ठीक है। सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है म्यूटेशन। इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन का गुण पाया जाता है जो सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है। इनमें मल्टीप्लीकेशन होता है, वो भी सजीव कोशिका के अंदर, ठीक है। और इनके अंदर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक प्रजाति के लिए स्पेसिफिक होते हैं, वो दूसरी प्रजाति को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। और इनमें संक्रमण की क्षमता पाई जाती है और इनके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये सारे जो लक्षण हैं वो सजीवों के लक्षण हैं। अब बात करते हैं इनके निर्जीव होने के लक्षण। अब वायरस के अजैविक गुण यानी नॉन लिविंग करेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इनका क्रिस्टलीकरण हो सकता है, किया जा सकता है। दूसरा, इनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, सब अनुपस्थित होते हैं। इनमें श्वसन भी नहीं पाया जाता है। ये होस्ट सेल के बाहर निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। ये जो चार पॉइंट्स हैं वो इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो करते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के साइज एंड शेप की बात। तो बैक्टीरिया का साइज नैनोमीटर में मेजर किया जाता है, यानी कि 10^-9 के आकार के होते हैं, यानी कि इतने छोटे होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। अब बैक्टीरिया के आकार की बात करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया के कुछ स्पेशल शेप होती है, कुछ बैक्टीरिया की जो आकार होता है, जैसे कि इलोंगेटेड रॉड लाइक, ये TMV वायरस, टोबैको मोजेक वायरस होता है, जो लंबे छड़नुमा आकार के होते हैं। उसके बाद घनाभ आकृति के वायरस, क्यूबॉइडल शेप के जो होते हैं मम्स वायरस, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे वायरस जो होते हैं वो घनाभ आकृति के होते हैं। अब बात करते हैं टेडपोल लाइक वायरस। टेडपोल लाइक वायरस होता है TE1 बैक्टीरियोफाज। चौथा है बुलेट शेप वायरस।
ब्लड से वायरस होता है रेबडो वायरस या रेबीज वायरस। ठीक है, ये कुछ आकार होते हैं। अब सम्मति के आधार पर बैक्टीरिया को तीन समूह में बांटा है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस सम्मति के आधार पर, पहली है हेलिकल सिमेट्री, दूसरी है क्यूबिक सिमेट्री, तीसरी है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री टीएमवी वायरस, टोबेको मोजेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, इनमें पाई जाती है। क्यूबिक सिमेट्री, ये जो वायरस होते हैं वो गोल आकृति के होते हैं, गोलाकार आकृति के वायरस होते हैं। ये होती है हर्पीज वायरस। सिंप्लेक्स वायरस, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है T4 बैक्टीरियोफाज में। तो ये सिमेट्री के आधार पर बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। वायरस तो इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कैप्सिड, जो प्रोटीन का बना होता है, और इसकी मोनोमर यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। ये कैप्सिड क्या करता है, जो वायरस का डीएनए या आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है, कवर यानी ढके रहता है, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर, और इस कैप्सिड का कार्य होता है जेनेटिक मटेरियल को बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करना। अब इसका दूसरा पार्ट होता है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देख लेते हैं।
ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ये इसका कैप्सिड है, ये पूरी स्ट्रक्चर एक कैप्सिड है और ये एक एक पार्ट मोनोमर यूनिट जिसे कैप्सोमियर कहते हैं, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, ये स्ट्रक्चर है टीएमवी टोबेको मोज़ेक वायरस, जो एक आरएनए टाइप का वायरस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस, कितने प्रकार के वायरस होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस, तो वायरस तीन प्रकार के होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज। प्लांट वायरस जनरली सामान्यतः आरएनए के होते हैं, लेकिन कभी कभी डीएनए के होते हैं। आरएनए में टोबेको मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस। अगर डीएनए की बात करें, कभी कभी डीएनए वाले होते हैं, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस और मेज स्टिक वायरस, ये दो डीएनए के वायरस हैं, मक्का का धारीय रोग। ये जो सामान्यतः आरएनए के होते हैं, कुछ डीएनए के होते हैं। अब बात करते हैं एनिमल वायरस, तो एनिमल वायरस सामान्यतः डीएनए के होते हैं, ज्यादातर जो वायरस होते हैं वो डीएनए होते हैं, लेकिन कुछ वायरस जो आरएनए भी होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए वाले वायरस की बात करते हैं, एडीनो वायरस, दूसरा पार्वो वायरस, हर्पीज वायरस, पेपो वायरस और पॉक्स वायरस। एडिनो वायरस ये श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं, पारवो वायरस इनसे डायरिया, वॉमिटिंग और हिपेटाइटिस, बी कॉज करते हैं। हर्पीज वायरस हर्पीज डिजीज कॉज करते हैं। पेपो वायरस मनुष्य में मत्स्य उत्पन्न करते हैं। पॉक्स वायरस इससे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स डिजीज कॉज करते हैं। अब बात करते हैं आरएनए वायरस की। आरएनए वायरस में आता है एंटेरो वायरस, दूसरा राइनो वायरस, टोगा वायरस, चौथा है इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर पैरामिक्जो वायरस, चौथा है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पांचवा है पैरामिक्जो वायरस,
एंटेरो वायरस है जो पोलियो कॉज करते हैं, राइनो वायरस जैसे सामान्य जुखाम और हेपेटाइटिस ए कॉज करते हैं, टोगा वायरस इनसे टोगा वायरस से येलो फीवर वायरस येलो फीवर कॉज होता है, ठीक है, बीमारी होती है, और इन्फ्लुएंजा से इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है, इन्फ्लुएंजा पैरामिक्जो वायरस ये मम्स कॉज करते हैं, मम्स मम्स डिजीज जिसे मम्स डिजीज पैरामिक्जो वायरस से होती है। उसके बाद बात करते हैं रैबडो वायरस, अगला है छठा रैबडो वायरस, ये रेबीज कॉज करते हैं, रेबीज डिजीज कॉज करते हैं, और सातवां है कोरोना वायरस, ये ऊपरी श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं, और ये आरएनए वायरस होते हैं। तो ये तो थे डीएनए वायरस, ये आरएनए वायरस। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज ये जीवाणु के ऊपर परजीवी होते हैं, ऊपर परजीवी वायरस होते हैं, ये हमेशा डीएनए के बने होते हैं, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट वायरस, तो प्लांट वायरस में देखते हैं प्लांट नेम ऑफ क्रॉप वायरस नेम ऑफ डिजीज। तो सबसे पहले गेहूं का वायरस वीट मोजेक वायरस, आलू का वायरस पोटेटो मोजेक वायरस, तंबाकू का वायरस टोबैको मोजेक वायरस, भिंडी का वायरस येलो वेन डिजीज, ठीक है, पपीते में पपाया मोजेक वायरस, मक्का में मेज मोजेक वायरस, सरसों में मोजेक डिजीज कॉज करता है, तेल में फाइलोडी मतलब पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, बादाम का स्ट्रीक पैटर्न धारियां पड़ जाती है, बादाम के ऊपर धारियां पड़ जाती हैं, और नींबू का वायरस स्ट्रेंजा येलोइंग ऑफ वेन नाड़ी का ऊतक क्षयन वायरस, ये सारे जो वायरस हैं ये इस तरह के डिजीज कॉज करते हैं, ये प्लांट वायरस थे। अब बात करते हैं एनिमल वायरस की, तो एनिमल वायरस में सबसे पहले है मीजल्स, ये मिक्जो वायरस से होता है, रेबीज रैबडो वायरस से, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलती है, कॉमन कोल्ड सामान्य जुकाम इसका कॉजेटिव एजेंट है राइनो वायरस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी दोनों हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस वायरस से होती है, पोलियो वायरस जो पोलियो डिजीज है वो पोलियो वायरस से होती है, मम्स मम वायरस से होती है, ब्रोंकाइटिस पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है इन्फ्लुएंजा सामान्य फ्लू ये ऑर्थोमिक जो वायरस से होती है, पोलियो एक बार फिर से लिख गया है पोलियो, चिकन पॉक्स वेरिसोला जॉस्टर वायरस से, स्मॉल पॉक्स पॉक्स वायरस से फैलती है, डेंगू जो फीवर है डेंगू फीवर वो डेंगू वायरस से फैलती है, एड्स HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। लेकिन ये तो एक सामान्य बात थी जो सब जान लेते हैं, लेकिन आजकल एग्जाम में जो पैटर्न चेंज हो गया है अब आजकल सवाल पूछे जाते हैं जीनोम के बारे में कि कौन सा वायरस का जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, तो जो मीजल्स होती है उसके अंदर आरएनए होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए होता है, रेबीज के अंदर सिंगल स्ट्रैंड SS का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए,
स्वाइन फ्लू के अंदर आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जुखाम जो राइनो वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, हिपेटाइटिस ए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस से फैलती है, जबकि हिपेटाइटिस बी डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस से फैलती है, पोलियो पोलियो वायरस जो कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, मम्स वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ब्रोंकाइटिस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से फैलती है, चिकन पॉक्स डबल स्ट्रैंड डीएनए से, पॉक्स वायरस डबल स्ट्रैंड डीएनए, डेंगू जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और सबसे बड़ी बात एचआईवी, एचआईवी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये तो था वायरस का जो एनिमल वायरस, इसी के साथ ये वायरस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वायरस के इस चैप्टर में से जो कुछ इस वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।